कांग्रेस के अंदर अब कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस को लीड कर सके। जो लीड वाले नेता थे वो चले गए या खत्म हो गए, वो है नहीं, किसी ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस गुजरात में खूब थी, क्या हुआ उसके साथ? आम आदमी पार्टी पहुंचते ही कांग्रेस वहाँ ख़त्म। यूपी के अंदर जो भी चीज़ हुई है या यूपी के कहीं भी देख लो, जहाँ जहाँ बीजेपी है अच्छा काम किया उसने। महंगाई विपक्ष के बाद सिर्फ मुद्दा है। विपक्ष पूरी दुनिया का कंपेयर करे कि हमारे भारत में क्या है और वही चीज़ दूसरे देशों में क्या है, लेकिन विपक्ष का काम ही है बोलना। क्या शीला दीक्षित ने कांग्रेस के अंदर रहते हुए दिल्ली का काम नहीं करे थे? दिल्ली में सारे काम शीला दीक्षित करे हुए हैं। किसी भी जगह किसी भी मोहल्ले में देख लो परेशानियां कितनी है। दिल्ली के अंदर 90% ऐसी कॉलोनियां हैं जिनके अंदर अभी भी पानी की सुविधा नहीं है। जो हमारे पुराने हैं वो कांग्रेस को देखे हैं ना, तो उस समय जो देखे होंगे उनको अच्छा लगा उस समय वो देखें। अब हम लोग को अच्छा ही है, बीजेपी लग रही है, तो इसलिए बीजेपी को हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी ही रहे। हमारे बिहार में मतलब दारू से बहुत लोग मर रहे हैं, डुप्लीकेट दारू बना के पिला रहे हैं सबको, ये चीज़ गलत है ना। लेकिन 24 के चुनाव में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भले ही उनकी उम्र के हिसाब से रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की ही रहेगी। डेली आपको हम दिखाते हैं किस्सा कुर्सी का, उसमें अलग अलग मुद्दे रहते हैं, तो उसी के तहत आज हम पहुँचे हैं नोएडा के बीसनपुरा गाँव में। यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि विपक्ष जो है लगातार महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, तो वहीं लगातार पीएम मोदी इस समय देश के विभिन्न प्रदेश में कहीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं, कहीं मेट्रो की सौगात दे रहे हैं। आज भी उन्होंने राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। तो चाचा, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, सरकार में क्या देखते हैं? 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव है, ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव जो है ये 2024 चुनाव का सेमीफाइनल है। हाँ, है तो सेमीफाइनल ही है, बाकी इसमें सबसे ज़्यादा जो काम दिखाएगा उसके ज़्यादातर वो रहते हैं। जैसे बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है, बीजेपी के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे जितनी भी है यूपी के अंदर जो भी चीज़ हुई है या यूपी के कहीं भी देख लो, जहाँ जहाँ बीजेपी है, जिस मुद्दे पे भी अगर हम बात करें, चाहे वो एजुकेशन में हो या विकास में हो, वैसे हो, हर चीज़ में सबसे अच्छा काम बीजेपी ने ही किया है। बीजेपी पॉजिटिव रहेगी ज़्यादातर। बीजेपी का अगर काम बात कर लें, बीजेपी काम तो कर रही है। आपने अभी कहा कि जिस जगह बीजेपी है, बीजेपी पूरे देश में है, केंद्र में उनकी सरकार है, कई राज्यों में उनकी सरकार है। आप उत्तराखंड ले लीजिए, चाहे यूपी ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, हर जगह सरकार उन्हीं तो है। जी हाँ, हर जगह सरकार है, सरकार के हिसाब से जैसी भी जगह हैं। कहने का मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी है, मैं उस बात को कर रहा हूँ, और भी चीज़ें हैं, केंद्र के हिसाब से भी बीजेपी अच्छा काम कर रही है, और बीजेपी काम की वजह से ही आज ये हम जिस स्थिति में खड़े हैं वो एकदम उभर के आगे आए हैं। बीजेपी का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी हम एक स्पेशल पार्टी लेके चल रहे हैं कि हमारा नहीं बीजेपी होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा काम इस समय जो करके दिखाया वो बीजेपी ने ही करके दिखाया है। कांग्रेस भी रही, यूपी के अंदर ही ले लो, बहुजन समाज पार्टी भी रही, अखिलेश की भी रही, सारी सब अपने अपने तरीके से करे, लेकिन कोई इतना अच्छा काम नहीं करके दिखा पाया जितना अभी हो रहा है। योगी जी के हिसाब से अगर देखो तो यूपी के अंदर 90% नहीं, 100% काम जो है बीजेपी का सबसे अच्छा हुआ है। इसके अलावा और किसी ने करके ही नहीं दिखा पाया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। अच्छा, जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां मुद्दा उठाती हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये तो एक युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात है, ये तो हर किसी पार्टी का एक मुद्दा होता है कि यहाँ एक आगे आना। अब चुनाव आया है तो हर आदमी अपनी अपनी रखेगा कि मैं बिजली फ्री कराऊंगा, मैं पानी फ्री कराऊंगा, मैं ये लेके आऊंगा, मैं वो लेके आऊंगा। तो देखो, वोटर को एक गुमराह करने वाली बात या बात समझाने वाली बात जो आती है ना सामने, वो यही आती है। हर पार्टी अपना एक मुद्दा तैयार करती है कि हम इस बेस पर काम करेंगे, हो सकता है इसमें हमें सफलता मिल जाए। बिल्कुल, बने रहिए आप मेरे साथ, हम बात करते हैं आपसे। अभी चाचा ने भी कहा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में ले लें, चाहे देश में ले लें जी, लेकिन चाचा इसका जवाब नहीं दे रहे जो विपक्षी पार्टियाँ लगातार सवाल उठा रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। विपक्ष का काम है सवाल उठाना है, सवाल नहीं उठाएंगे उन्हें कौन पूछेगा? वो कमी नहीं ढूंढेंगे तो उन्हें कौन पूछेगा, है कि नहीं? बात रही महंगाई की, तो पूरी दुनिया महंगाई है, पूरी दुनिया महंगाई है। हमारे यहाँ फिर भी कभी पाकिस्तान में देख लो, पड़ोस में श्रीलंका देख लो, अफगानिस्तान देख लो, चाइना देख लो, अमेरिका देख लो, पूरी दुनिया सारी जगह डेटा इकट्ठे करके देखो, आपको पता चलेगा। फिर भी इंडिया में आप काफ़ी ठीक हैं। रोजगार तो नहीं मिल रहा युवाओं को, मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, कोविड के बाद से प्रॉब्लम है, ऑल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, इंडिया में भी धीरे धीरे सब कुछ सही होगा, रोजगार भी होंगे। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कर विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं, कंपनियां बन रही हैं, रोजगार मिल रहे हैं। गवर्नमेंट में है अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन धीरे धीरे वो भी सही होगा, समय लगेगा, 3-4 साल से। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है विपक्ष के लिए? महंगाई विपक्ष के बाद सिर्फ मुद्दा है,
विपक्ष पूरी दुनिया का कंपेयर करे कि हमारे भारत में क्या है और वही चीज़ दूसरे देशों में क्या है, लेकिन विपक्ष का काम ही है बोलना। कल वही पक्ष में आएंगे तो वही कहेंगे ये सही है, आज विपक्ष में है तो उनका ये सवाल है। चाचा भी देखे आप, परसों आम आदमी पार्टी जो हो नेशनल पार्टी बन गई, जिस तरीके के उनके चुनाव रहे, चाहे गुजरात ले लें, उत्तराखंड ले लें, पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो दिल्ली में सरकार है लेकिन सरकार के हिसाब से दिल्ली में उन्होंने करा क्या है? अरे वो तो कहते हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उन्होंने इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जो स्कूल है उनको हमने बढ़िया बना दिया, जितने भी क्लिनिक बनाए हैं उन क्लिनिक पर कितने डॉक्टर बैठते हैं, कितने परसेंट इलाज करते हैं और कितना काम होता है, बिजली पानी का फ़ायदा किसको है? किसी को नहीं। जो ये सोचते हैं ना कि मुझे बिजली पानी फ्री मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एक संस्था बना दी है कि हाँ बिजली है, आप कहीं भी जाओ 200 यूनिट से जहाँ एक यूनिट आपका फॉल्ट जैसे ज़्यादा हुआ, आपका बिजली का बिल वहीं का वहीं आएगा। तीन तीन महीने तुम्हारे बिजली के बिल पेंडिंग में पड़े रहे, उसके बाद फिर डबल होके आ गए, आदमी एक बार भर पाता दो बार फिर आ गए। परेशानी कहाँ होती है, किसी भी चीज़ को कहने और करने में बहुत अंतर होता है, दिखावा है। अभी आप देख लो, एक मुद्दा नया ही चला था दारू वाला है, उसके अंदर मनीष सिसोदिया को किस तरीके से मिला के और किस तरीके से कहाँ पहुँचे हैं, आज सारी चीज़ें गवर्नमेंट खोल के ला रही है ना। लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के लिए फंसाया गया, क्योंकि वो पूरे दुनिया में शिक्षा के एक नया मॉडल दिए। शिक्षा का नया मॉडल उन्होंने क्या दिया, वो तो पहले से था। क्या शीला दीक्षित ने कांग्रेस के अंदर रहते हुए दिल्ली का काम नहीं करे थे? दिल्ली में सारे काम शीला दीक्षित करे हुए हैं, उस काम को करने से जब इनकी आई है इनकी सरकार, तो जो उन्होंने अप्रूव दिया था वो इन्होंने उठा लिया फ़ायदा। भाई इनॉग्रेशन अगर आपने जिम्मेदारी ली, आप तो वहाँ संस्था से हट गए, मैं आ गया उसकी, तो उसका फ़ायदा मैं उठाऊंगा ना, तो वो तो इनको करा कराया मिला, इन्होंने करा क्या है? किसी भी जगह किसी भी मोहल्ले में देख लो परेशानियाँ कितनी है। दिल्ली के अंदर 90% ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर अभी भी पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, लोग आप परेशान हैं, जाते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, निकाय चुनाव पास में है, निकाय चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा 24 लोकसभा चुनाव का, आम आदमी पार्टी सीधे देखिए उत्तर प्रदेश में जाकर लड़ाई चुनाव को, आपको लगता है कुछ सीटें निकलेंगी वहाँ पे या टक्कर दे पाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर तो किसी तरीके से कोई टक्कर नहीं दे पाएगी, बशर्ते यह है कि यूपी से हटके और कहीं हो, तो मान ले पंजाब एक अलग चीज़ हो गई है। यूपी में क्यों नहीं? यूपी में नहीं हो पाएगा, यूपी में जो भी आएगा विपक्षी दल, या तो बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो या समाजवादी खड़ी हो, सारे मिलके एक साथ हो गए थे तब नहीं कुछ कर पाए, बीजेपी ही आएगी और ये परफेक्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी मुद्दा बनाया जाता है सारे एक साथ मिलके एक आदमी को पकड़ना चाहते हैं ना, तो कभी नहीं कर पाएंगे। तुम कुछ करके दिखाओ ना, तुमने क्या किया जनता के लिए, कुछ करके दिखाया? बेरोजगार तुम कह रहे बेरोजगारी बेरोजगारी, तुमने कितने रोजगार दे दिए? आज भी आज की डेट में क्या, ये तो अभी कांग्रेस और बीजेपी आई है, इससे पहले जो मुलायम सिंह की सरकार थी उन्होंने कितना रोजगार दे दिया था, किस किस को रोजगार दिया वो बताओ, कितने आदमी सरकारी नौकरी में लग गए, 90% आदमी ऐसे हो गए जिनको ड्यूटी तो मिली सरकारी, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ फर्जी भाड़ा मिल गया, उन्होंने कहा इसकी सर्टिफिकेट है ही नहीं, नाम किसी और का, बाप किसी और का, काम किसी और का, ये हो रहा था ये सब, नाम किसी और का, काम किसी और का, बाप किसी और का। भैया किस तरीके देखना चाहता हूँ, अभी सुनाओ लोकसभा 2024 सुनाओ माहौल क्या आपको दिख रहा है अभी? बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकलेगी क्यों? वो ऐसा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? काम जो भी व्यवस्था कर रही है वो टेबल आगे के भविष्य के लिए कागज पत्र जो भी काम हो रहा है सही तरीके से हो रहा है। विपक्ष कहीं अगर आ गया एक साथ तो है? विपक्ष आ गया एक साथ तो कैसे आ जाएगा? जनता को देना है ना वोट, विपक्ष को थोड़े देना है वोट, तो जनता देगी। आज की दुनिया में जो भी जनता है बिल्कुल तेज है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लोग नहीं जानते हैं, बहकावे में किसी को नहीं आएंगे। जिसको फायदा लगेगा, दवाई जब फायदा करता है आदमी को तो खुद ही अपना डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं कि भाई हम इसी डॉक्टर से दिखाएंगे। उस तरह का ये बात है कि जब अच्छा लगेगा हमारा, 10 साल देख लिए लोग, अब देख रहे हैं भाई पहले कांग्रेस को लोग देखे हैं, जो हमारे पुराने हैं वो कांग्रेस को देखे हैं ना, तो उस समय जो देखे होंगे उनको अच्छा लगा उस समय वो देखें, अब हम लोग को अच्छा ही है बीजेपी लग रही है, तो इसलिए बीजेपी को हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी ही रहे। चाचा अभी देखे कुछ दिन बीते दिन पहले जिस तरीके से रामनवमी पर बंगाल में हिंसा हुई, आप कह लें बिहार में हिंसा हुई, गुजरात में हिंसा हुई, यूपी में कुछ नहीं देखने मिला, कैसे मिलेगा? हमारा शासन व्यवस्था चुस्त है ना, हमारी सरकार सही है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर पहले होता ही था, मुलायम के सरकार में कितना क्या हुआ, मायावती के सरकार में क्या हुआ, लोग देखे नहीं है? 22,000 सिपाही बर्खास्त हुए थे उस समय, मुलायम सिंह किए, मायावती बर्खास्त कर दी, ऐसा अभी आपको देखने को मिल रहा है कभी? बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा ना, जो भी हो रहा है कानूनी व्यवस्था से हो रहा है,
तो इसलिए हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार ये अच्छी लग रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई बीजेपी ये रहे। अच्छा 24 चुनाव में मान लीजिए विपक्षी तरफ आ गया, क्योंकि लगातार देखिए चाहे नीतीश कुमार हों चाहे ममता बनर्जी हों अखिलेश यादव हों, सब लोग कह रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, विपक्षी पार्टी को दबाने के लिए ईडी सीबीआई का केस कर दिया जाता है। अब एक रिपोर्ट आई जो विपक्षी पार्टी बताई कि जब से योगी मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 121 केस हुए हैं, जिनमें से 115 केस यानी कि 95% केस विपक्षी पार्टी पे हुए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, मान लीजिए लोग आने के लिए तो बहुत कुछ लोग आएंगे, कहे कि जब सरकार में कुछ उछालेंगे नहीं वैसा बात तो उनको कहने का कुछ मौका होगा ना, जनता के सामने तो कुछ रखेंगे ना अपना अपना बात, तो ये सब बात होती है। और रह गया महंगाई का बात, तो देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़वे करेगी, अब आपको अनुदान भी चाहिए और महंगाई भी इधर ना बढ़ाएं तो दोनों तरफ नहीं हो पाएगा। यहाँ इतना लोगों को कितना उस समय इंजेक्शन लगा कोरोना में, वो कहाँ से पैसा आया, सरकार के पास इतना खजाना थोड़े था। हम ही लोगों को महंगाई चाहे जैसे भी करके सरकार व्यवस्था की हम लोग को बचाई, तो और देशों की अपेक्षा देखिए कि हमारा इंडिया में इतना लोगों करीबन कितना करोड़ जनता दे, इसका पूरा हमको आंकड़ा तो मालूम नहीं है, लेकिन ये देखा कि सबको मुफ्त इंजेक्शन लगा, 3-3 इंजेक्शन लगा, 350 का एक इंजेक्शन पड़ता था, बताइए कितना करोड़ रुपया गया होगा। अच्छा अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो जिस तरीके से लोकसभा में इनका 2009 जो प्रदर्शन था 206 सीटें थी, 2014 में ये आ गए सीधे 44 पर, 2019 में ये बढ़ के हुए 51, लेकिन जब राहुल गांधी की सदस्यता गई सीटें के पास 50 बची, तो आपको लगता है कांग्रेस की टक्कर बीजेपी से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, हमको तो नहीं लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है सर, इसलिए कि कहाँ जब एक ही दो जनता या तो सपा में लोग जाते हैं नहीं तो भाजपा में आते हैं, बाकी लोगों को तो कोई वैसा है नहीं माहौल। अब देखिए बाकी लोगों का माहौल नहीं है, माहौल देखते हैं उन लोगों से। भैया क्या नाम आपका? महमूद नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं जी? हम यहाँ गोंडा जिला के हैं। गोंडा जिला के रहने वाले हैं। 2024 चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप, इस सरकार से कितना खुश हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिला आपको? ये सर लाभ तो मिला है सर, और लोग इस यही लाभ है कि जो भी है COVID-19 वगैरह में जो सरकार पैसा खर्चा किया, ये सब हम लोगों के लिए ही किया, आम पब्लिक के लिए किया, सही कर रहा है सरकार ये जो भी कर रहा है बस। तो 24 लोकसभा चुनाव अगर देखें पास में है, किधर जाना चाहेंगे आप? जैसे जिस तरीके से पीएम मोदी कहते हैं कि हमने लगभग 2000 करोड़ जो शौचालय था उसको फ्री दे दिए, आवास लोगों को फ्री दिए, कोरोना काल में वैक्सीनेशन हुआ, फ्री राशन मिला, कुछ योजनाओं का लाभ मिला आपको? जी बहुत लाभ मिला हमें, हमारे घर पे वो क्या हुआ बाथरूम भी हुआ जो दिए वो मिला, राशन भी मिलने लगा उनकी सरकार में, पहले ये नहीं था अब उन्हीं की सरकार में मिलने लगा। बिल्कुल चाचा, अगर बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस की लोकप्रियता घट रही है, हमने बताया भी आपको कि 2004 में 2009 2014 2019 लगातार आप देखें कि ये बैकफुट जाते जा रहे हैं, जहां 216 से 206 सीटें थी, 2014 में ही 44 सीटें आई, 2019 इनके पास 51 सीटें आई, अब फिर बची 50 क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, तो इसका रीज़न क्या है जो इनकी लोकप्रियता इतनी घट रही है, लोग बीजेपी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ऐसा है रीज़न एक बता देता हूँ कि कांग्रेस के अंदर अब कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस को लीड कर सके, जो लीड वाले नेता थे वो चले गए या ख़त्म हो गए या वो है नहीं, किसी ने पार्टी छोड़ दी। मेन चीज़ यही है कि कांग्रेस के अंदर आज की डेट में कोई ऐसा इनके पास नेता नहीं है जो उसका कांग्रेस को लीड कर सके चला सके, क्योंकि जो भी कहानी होती है कहीं पैदल यात्रा रथ यात्रा फलाना निकालते हैं, मुद्दे ऐसे खड़े करते हैं कि वो सारे विफल हो जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी किसी भी तरीके से लाते हैं मुद्दों को तैयार करके, लेकिन वो सारे के सारे मुद्दे निरस्त हो गए, उनके हर चीज़ झूठी हो गई, हर तरीके से वो विफल हो गए हैं। उन्होंने क्या सोचा कि चलो यूपी में एक बार कांग्रेस और समाजवादी मिलके खड़े हो जाते हैं और वो तैयारी कर लेते हैं, वो भी उनकी विफल गई। उन्होंने जहाँ भी कोई मुद्दा बनाया वहाँ सारा काम खत्म हुआ। गुजरात के चुनाव को ही ले लो, कांग्रेस गुजरात में खूब थी, क्या हुआ उसके साथ, आम आदमी पार्टी पहुँचते ही कांग्रेस वहाँ ख़त्म, बीजेपी आई। रीजन क्या है? जहाँ जो बंदा काम करता है और पार्टी के हिसाब से जो जैसा रहता है उसी तरीके से वहाँ पर उसका होता है। कांग्रेस का मेन मुद्दा यही है कि उनके अंदर आज कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उसे ढंग से लीड कर सके। बिल्कुल, जिस तरीके से मई में देखें आप कर्नाटक में लोकसभा चुनाव है जी, बीजेपी की वहाँ पर 2018 की बात कर लें तो लगभग उनकी सीटें थी 104 सीटें, कांग्रेस की लगभग 27 सीटें थी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कर्नाटक चुनाव में, या बीजेपी फिर से सत्ताधारी बनेगी? नहीं, बीजेपी ही बनेगी। रीजन ये है कि कांग्रेस का जो भी आंकड़ा लगाता है, हर देखो हर पार्टी अपना अपना पक्ष रखती है,
अगर जहाँ पे जो कांग्रेस हो बीजेपी हो जैसा भी है हर गढ़ को तोड़ने के लिए एक विपक्षी तैयार होता है और वो विपक्ष सामने खड़ा होगा, विपक्ष नहीं होगा तो लड़ाई किस बात की भाई, आंकड़ा तो सभी लगाते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं विपक्षी पार्टी दबाने के लिए काम करें, अगर विपक्ष, आपने कहा कि विपक्ष अगर नहीं होगा तो लड़ाई कैसे होगी, जबकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि 121 केस हुए जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, 115 केस विपक्षी पार्टी रख दिए, और विपक्ष को दबाने के लिए जब देखो अगर कोई उठ रहा है, कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, सदन में उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई छापे पड़वाते हैं। नहीं तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या ऐसा नहीं हुआ था, कोई एक आंकड़ा बताइए आप, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या संसद भंग नहीं हुई थी या वहाँ मारपीट नहीं हुई? संसद भंग हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाते हैं राहुल गांधी कि माइक ही बंद कर दिया जाता है, बोलने का मौका ही नहीं मिलता, ये तो रीजन उनको सामने अब दिखाई दे रहा है ना, जब खुद बैठे हैं, पहले तो नहीं जाते थे ना, जब कांग्रेस की सरकार बहुमत में थी तब क्या राहुल गांधी थे वहाँ? नहीं थे ना, उनके पिता ही थे, उनकी दादी थी, उनकी माँ ने भी किया है। मनमोहन सिंह की सरकार में क्या राहुल गांधी अंदर थे? नहीं थे ना, तब भी तो हुए हैं, तब उन्होंने क्यों नहीं ये विपक्ष का दूसरा इन मुद्दों ने उठाया, तब उनके दबा दिए जाते थे। किस नेता का ऐसा रहा है कि जिसका रोल सामने नहीं आया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हर किसी का विपक्ष का यही रहता है कि जब कोई भी पार्टी केंद्र में होती है तो उसके पक्ष वाले सारे खड़े होते हैं और सब बोलते हैं, बशर्ते ये है कि जनता जानती है जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। जनता जानती है जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। भैया बात करेंगे आपसे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले, बिहार में आप मतलब आपकी जन्मस्थली बिहार है और रह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में आपको क्या अंतर नजर आता है? बहुत अंतर आ रहा है। जैसे? जैसे यहाँ बहुत सुविधा है, खाने पीने से लेकर नौकरी तक है बहुत। अच्छा, नीतीश वहाँ के CM हैं और देखिए कहीं कहीं वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, गठबंधन सरकार आएगी, आपको लगता है कुछ ऐसा हो पाएगा, उलट फिर होगा ऐसा? ऐसा तो नहीं होगा, वही सरकार रहेगा फिर, ऐसा जैसे मतलब चेंज हो सकता है, कुछ नहीं करेंगे तो चेंज तो होगा ही। हमारे बिहार में मतलब दारू से बहुत लोग मर रहे हैं, डुप्लीकेट दारू बना के पिला रहे हैं सबको, ये चीज़ गलत है ना, सरकार को देखना चाहिए ना कहाँ मतलब दिक्कत हो रही है, कहाँ पे दारू बनाया जा रहा है, चेकिंग करो, उसको पकड़ो और उसको सजा दो। सजा नहीं देते हैं, दारू बनवाते हैं, उनको भी सरकार को भी फायदा हो रहा है। दारू कौन बनवाता है? नीतीश कुमार बनवा रहे हैं। नीतीश कुमार वहाँ के CM हैं? हाँ हाँ, नीतीश कुमार तो वही कर रहे हैं ना सब, उनको पैसे चाहिए, उनको तो ये नहीं कि पता कि वो तो कहते हैं कि हमने अपने राज्य में करप्शन कम कर दिया, रोजगारी नहीं, हमने रोजगार दिया लोगों को, भ्रष्टाचार नहीं है। रोजगार हम लोगों को अगर रोजगार देते हम लोग यहाँ क्या करने आते हैं? अगर रोजगार देते हम लोग बिहार में नहीं रहते? वहाँ पे बिहार में क्या काम नहीं है? रोजगार बनवाओ, वहाँ करो, हम लोग भी रहेंगे वहाँ पे। तो 24 सरकार किसकी देखते हैं आप, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? 24 में नीतीश कुमार की सरकार रहना चाहिए, लेकिन सही किए हैं वो लोग। 2024 लोकसभा की बात कर रहे हैं, उनको आया अभी क्या बोलते हैं ये लालू के बेटा आएंगे तेजस्वी, उनकी अभी चल रही राजनीति कि हम बनेंगे सरकार, हम अपना ये दिखाएंगे, नौकरी देंगे इतने लोग। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री जो है वही रहेंगे, जो भी है वही रहेंगे ना प्रधानमंत्री। बताओ अभी तो फ्री, 5 साल से भी 3 साल से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मोदी सरकार हमारा फ्री दे रहे राशन, ये है फ्री, वो है फ्री, अभी जनता इसी पर चल रही है। तो विपक्षी पार्टी कहती है कि राशन पहले फ्री मिलता था, आप कौन सा नया काम कर दिए? जब से लॉकडाउन हुआ तब से फ्री मिल रहा है, हम तो ये देखे हैं जब से सरकार आई है ये तब से फ्री मिल रहा है, कुछ तो राहत है ना, पूरे राहत नहीं लेकिन कुछ तो राहत है कि सरकार की हमारे चल रही है। महंगाई मुद्दे पे आपका कहना है, क्योंकि देखिए आप एक युवा हैं, आप एक युवा हैं, जो सोच होगी आपकी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगी, तो सरकार के कामों से कितना प्रभावित हैं आप, महंगाई में देख लीजिए आप, या स्टूडेंट पॉलिसी जिनकी थी, या जिस तरीके से पेट्रोल दाम डेली बढ़ रहे हैं, डीजल दाम बढ़ रहे हैं, जो दैनिक उपयोगी आपकी चीज़ें हैं, चाहे तेल ले लें चाहे आटा ले लें। महंगाई तो देखिए वो उसके ऊपर होता है, जनता के ऊपर होता है महंगाई, जैसे भी मान लीजिए कि हमारे कंपनी ने भी सैलरी बढ़ाया तो उसके लिए सब चीज़ तो बढ़ना चाहिए ना, मांगो ये मान लो कि अभी वहाँ विदेश से भी कोई सामान आ रहा है तो उसका तो 400 लगेगा ही लगेगा, ये नहीं कि हमारे घर में बन रहा है उसका तो लगना ही लगना है। बिल्कुल बिल्कुल, बात करते हैं भैया कहाँ रहने वाले हैं आप? यूपी में कहाँ से रहते हैं आप? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में क्या माहौल है 24 चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव को लेकर क्या माहौल होगा, फिलहाल तो ज़्यादातर दंगे फसाद चल रहे हैं क्योंकि विपक्ष वालों यही सोचते हैं कि अपनी अपनी सरकार तो सबको ही बनाना चाहता है, उसके बावजूद सब यही बोलेंगे कि हाँ वो ऐसा हो रहा है ये हो सारा। अभी हमारे यहाँ एक मर्डर केस का कांड हुआ है तो उसमें अभी जाँच पड़ताल चल रही है, एक लड़की की नाबालिग की हत्या कर दी गई है तो उसके चक्कर में बहुत उसमें विवाद हो रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे अभी, पहली बात तो बुलंदशहर में हमें आए थे,
योगी आदित्यनाथ जी तो बोल रहे थे कि जो भी उसमें कार्रवाई बढ़ेगी तो उसमें होगा, लेकिन 24 के चुनाव में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भले ही उनकी उम्र के हिसाब से रिटायरमेंट हो जाएंगे लेकिन सरकार बीजेपी की ही रहेगी, क्योंकि उसमें आदमी को लाभ मिल रहा है। लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे लोगों को गाँव में जितनी भी सुविधा हमारे गाँव में 186 कमरे आए थे जो हमारी ग्रामीण वो होती है ना कॉलोनी, तो 186 आई है। और हम कम से कम हमारी एज है 25 साल, ठीक है, तो 25 साल के हिसाब से हमने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि 10 साल तो हमने इनकी मनमोहन सिंह की सरकार में देख लिया, 10 साल रहे वो, चलो मानते हैं उन्हें बोला जाता है सबसे कम बोलने वाला प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे सबसे कम बोलने वाला प्रधानमंत्री क्यों बोला जाता था? अब इसका रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो, आपको पढ़ा लिखा इंसान बोलता नहीं है, बोलता क्यों नहीं है? एज के हिसाब से वो 86 साल के थे, अभी 87 साल के हो गए हैं, तो ये भी फ़र्क पड़ता है ना, उम्र के हिसाब से आदमी ढलता है, बोलता नहीं है ज़्यादा। हाँ पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे इंडिया में, लेकिन फ़र्क ये था कि आपको सबको पता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बना था, सोनिया गांधी बनी थी, उसकी जगह पे उन्हें बैठा दिया गया। वो इसलिए बैठा दिया गया क्योंकि जनता चाह रही थी कि विदेश वाले हमारे यहाँ कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो सही बात थी क्योंकि नहीं बन सकते हैं ना, आप चाहे बाहर के हो चाहे अंदर के हो, जनता काम चाहती है, जनता काम चाहेगी तभी आपको वोट देती है। अब जैसे इस सरकार में काम हो रहा है, 10 साल हो गए हमारे, 10 साल हो गए, अब ये तीसरी बार हो जाएगा, तो तीसरी बार में जहाँ तक का अनुमान लगाया जा रहा है कोई ये नहीं बोल सकता है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, सब यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ही आए, बीजेपी सरकार ही आएगी। चाचा देखिए 2017 में जब बनाया गया राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष, सोनिया गांधी ने बयान भी दिया कि हम अब राजनीति से संन्यास लेंगे, अब राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, वो सांसद से पूर्व सांसद हो जाते हैं, तो आप भी देखते होंगे कहीं ना कहीं अब 2017 के बाद से सोनिया गांधी काफ़ी चर्चा में आ गई हैं, चाहे पार्टी मीटिंग हो और वो चाहे कोई धरना प्रदर्शन हो, वो हर जगह एक्टिव हैं। अगर वो संन्यास की बात करती थी तो आपको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं चिंता सता रही है? या आप जिस तरीके से देख ले, सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ बैठ गए वो धरने पर, उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार जो है ये जो कमियां पहले सरकार में थी जो भ्रष्टाचार हुए थे उसके उजागर नहीं करना चाहते हैं, तो आपको लगता है अगर मान लीजिए सचिन पायलट आते हैं, मान लीजिए अगर कुछ बड़ा उलटफेर होता है, तो सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं भय सता रहा है? हाँ बिल्कुल सता रहा है। देखो राजस्थान की जो अगर कहा जाए तो राजस्थान का एक हिसाब है, 5 साल बीजेपी रहती है और 5 साल कांग्रेस रहती है, ये वहाँ का फैक्ट है। वहाँ की जनता कभी 5 साल के बाद दूसरी को नहीं रखते हैं और एजिटिव वोइक नहीं रहती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मुद्दे ये हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में जो वहाँ का तोड़ है वो ये है कि कांग्रेस वाला ही एक कांग्रेस वाले को पागल ये घोषित कर दे या उसे चूतिया बता दे या उससे कह दे कि भैया यही खा रहा है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यही कर रहा है, और वो कहानी बिल्कुल सत्य होती है। रीजन क्या कि घर का भेदी लंका डावे, घर का काम घर का ही दिखा रहा है ना। वो कह रहा है सचिन पायलट को जो मुद्दा दिया गया था, जो वर्गला गया कि उनको कहा कि भैया तुम्हें सीएम बनाएंगे, उसको पीछे कर दिया, आगे इनको डिप्टी सीएम बनाया गया उनको है? डिप्टी सीएम बने थे वो, उप मुख्यमंत्री कहाँ बने हैं, बोला गया करा कुछ नहीं गया, इसी वजह तो सारे भ्रष्टाचार खोल रहे हैं। अनशन पर क्यों बैठ रहे हैं भाई, घर का आदमी है अनशन पर क्यों बैठ रहा है? वो भी तो वही है, क्या उसे नॉलेज नहीं है? उसे भी जानकारी है, अच्छा जानकार है, अच्छा नेता है, कार्य भी कर बढ़िया करेगा। ये है कि कांग्रेस के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो सोनिया कहती हैं वही होता है, और सोनिया को बरगलाना कहाँ से कैसे हो रहा है वो उनके डिपार्टमेंट का है। बिल्कुल उनके डिपार्टमेंट हो रहा है। चाचा कहाँ रहने वाले हैं आप? एटा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में शासन कैसा है? बढ़िया है। सरकार किसकी चाहते हैं 24 में लोकसभा 2024 चुनाव पास में? अरे बीजेपी चाहते हैं भैया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अरे महंगाई तो वो चल ही रही है, वो चलती रहेगी, वो तो महंगाई थोड़ा ही कोई कहीं ले जाएगा भैया है। अरे क्या कह रहे हैं, पहले 10,000 में काम करते थे, अभी 25,000 में काम कर रहे हैं भाई, सैलरी भी तो बढ़ गई समय के हिसाब से, खर्चा है तो ठीक है, तेल 100 हो गया और सैलरी भी होगी भाई 100, ठीक है चल रहा है, बढ़िया है, हमें दिक्कत नहीं है, सही सरकार चल रही है, सही काम वाम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रहने वाले कहाँ गए आप? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ भाई। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है? हाँ है, उत्तराखंड बीजेपी सरकार है। अच्छा निकाय चुनाव 2023 देखिए आप सामने उत्तर प्रदेश में। हाँ तो उत्तर प्रदेश का तो योगी है ही है, 100% है वो, और उत्तराखंड में भी बीजेपी है 100%। काम कैसा बीजेपी उत्तराखंड में? यार देखो काम तो सरकार है, काम ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आने वाले जो हमारे 14 साल निकले हैं तो बहुत ऊपर चले गए भाई, बहुत हाईटेक चले गए हम। जैसे कुछ बताएंगे, कुछ एग्जांपल देंगे आप? जैसे हम टेक को लेकर देख लो, टेक वाली कंपनी में चले जाओ, किसी भी चीज़ को, फ़ोन कितना एडवांस हो गया, गरीब से गरीब बंदा स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, उसे पता है कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन कल
आने वाले जो चले गए 10 साल पहले देख लो तुम, किसी बंदे को पता नहीं होता कि मार्केट में बाइक कितने की आती है, फ़ोन कितने का था। तुम किसी को पूछ लो, गरीब बंदे को भी, उन्होंने कहा भाई कितने का फोन है, तो मैं बता देगा कि भाई गूगल में देख के उन्होंने कहा कितने का फ़ोन है, कितने का फ़ोन है। तो ये है, ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हर सरकार ऐसा ही करती है, सब कुछ करके नहीं दे देगी एक दिन में, पर ठीक है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हैप्पी, बिल्कुल सब खुश है यहाँ पे। तो आपने देखा जनता को जिस तरीके से अभी उत्तराखंड के लोग मिले, उन्होंने बताया कि बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। चाचा साहब से मिले, बात की, वो भी बताया कि किस तरीके से उलटफेर हो रहा है और राजनीति किसकी चमक रही है। हमने आम आदमी पार्टी की बात की, जो 2023 चुनाव में लोग निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना पैर पसार रही है उत्तर प्रदेश में, चाचा ने भी बताया वो विफल होगा। तमाम जनता ये कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी तो देश में है, लेकिन देश को अगर कोई चला सकता तो प्रधानमंत्री जो हैं अभी पीएम मोदी, और वही 2024 लोकसभा चुनाव में भी आएंगे। कैमरामैन सरताज के साथ मैं सुदीप राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।